यह दृश्य पश्चिम बंगाल के फरक्का स्थित एक मछली बाजार का है। इन मछुआरों ने गंगा नदी में दिन भर मशक्कत की है और जितनी मछली पकड़ पाए उसे यहाँ बेचने आए हैं। पहली नज़र में यह भले ही किसी आम मछली बाजार जैसा दिखे, पर यहाँ बिकने वाली मछलियों में छोटी मछलियों की मात्रा अधिक है। बस यहीं से समस्याओं की शुरुआत होती है। गंगा नदी वैसे तो धार्मिक वजहों से प्रसिद्ध है, जिसमें अनेकों जीव पलते हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक यह नदी गंगा डॉल्फिन का आवास भी है। छोटी मछलियां ही डॉल्फिन का आहार है। नायलॉन की बनी बारीक जाल की वजह से छोटी मछलियों का शिकार हो रहा है। इससे न सिर्फ डॉल्फिन का आहार छिन रहा, बल्कि गंगा नदी पर निर्भर मछुआरों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। छोटा मछली ही जब खत्म हो जाएगा गंगा में, तो फिर बड़ा मछली आएगा कहाँ, और डॉल्फिन भी कहाँ रहेगी, क्योंकि डॉल्फिन को मुख्य भोजन है छोटा मछली। मछुआरे भी नेट वाले जाल का उपयोग करता है, जिसमें कि छोटी मछलियाँ फंस के मर जाती है, जिसके कारण कि जो बड़ी मछलियाँ या जो डॉल्फिन का आहार होता है वह कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। फरक्का से 120 किलोमीटर दूर गंगा किनारे स्थित कहलगांव के मछुआरा दशरथ सहनी मछुआरा और डॉल्फिन दोनों की समस्या में समानता पाते हैं। मच्छरदानी है, पहले मच्छरदानी बनता था सूता, अब बनाता है मच्छरदानी प्लास्टिक, तो वो न सरता है न गलता है, हजार हजार मीटर लगाता है, सिला करके गंगा में लगाता है और गंगा को विनाश कर दिया। अभी मछुआ का पाँव भर मछली नहीं मिलता है सब, लेकिन 200 डेंगी यहाँ चलता था, अभी 10 भी डेंगी नहीं जमाता है, अभी सुनना लगता है गंगा, इसलिए मछली होता ही नहीं है, मछुआ करेगी क्या, तो डॉल्फिन के भोजन कहाँ से मिलेगा। और हम लोग सब भी को मांग करते हैं सरकार से कि मच्छरदानी पर अविलंब कानून कार्रवाई की जाए, उस पर चार्ज लगाया जाए, उस पर थाना को आगाह किया जाए, जिस तरह से दारू पर थाना को लगाया जाता है, उस तरह मच्छरदानी पर लगाया जाए हर थाना को, ताकि मछुआरा को रोजी भी बढ़े और मछली को डॉल्फिन को मिले भोजन। लेकिन दोनों चीज़ को यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। मछुआ को रोजी जब खत्म हो रहा है तो मछुआ कहीं जाके कमा लेगा, लेकिन डॉल्फिन कहाँ जाएगा कमाने के लिए, उसको रोजी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो दशरथ सहनी मछुआरा होने के साथ साथ डॉल्फिन मित्र भी हैं, जिन्हें बिहार सरकार ने विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य में गश्ती के लिए नियुक्त किया है। सहनी कई डॉल्फिन मित्रों के साथ हर दिन नाव से 8 से 10 किलोमीटर की गश्त करके संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं। डॉल्फिन मित्र योजना गंगा में डॉल्फिन बचाने की कई कोशिशों में से एक है। IUCN की रेड लिस्ट में डॉल्फिन लुप्त प्राय जीव के रूप में शामिल है। मछुआरों का जाल न सिर्फ उनका आहार छीन रहा है, बल्कि नदी में बेकार जाल का टुकड़ा खाने की वजह से डॉल्फिन की मौत भी हो रही है। नदी में सीवेज, रासायनिक अपशिष्ट और कचरे के चलते भी डॉल्फिन का आवास नष्ट हो रहा है। प्रदूषण के अलावा एक्सीडेंटल बाइक कैच यानी गलती से मछुआरों के जाल में फंसने से भी डॉल्फिन की मौत हो रही है। अवैध शिकार और डैम व बैराज के चलते नदी का धीमा प्रवाह भी डॉल्फिन की संख्या में कमी की वजह है। नदियों पर औद्योगिक जलमार्गों का विकास और नदी को जोड़ने जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी खतरा बनकर उभर रही हैं। डॉल्फिन के लिए गंगा में तेजी से बढ़ता शोर और निर्माण संबंधी गतिविधियां भी खतरा है। अभयारण्य क्षेत्र में शामिल सुल्तानगंज में गंगा पर पुल बन रहा है। COVID-19 महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान गंगा की सेहत में सुधार हुआ था, जिसका सकारात्मक असर डॉल्फिन पर भी हुआ था। हालांकि एक बार फिर परिस्थितियां पहले जैसी हो गई हैं। देखिए, लॉकडाउन जब तक रहा तब तक पक्षियों को भोजन बड़ी आसानी से यहाँ मिलता रहा। दूर दूर तक दृष्टि में जो वातावरण था वो बिल्कुल स्पष्ट 1.5 किलोमीटर तक दिखाई देता रहा, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज बंद थी, पॉल्यूशन फैक्टर्स कम हो गए थे, तो चूंकि उसमें मार्केट नहीं था, बिक्री कम थी, मानवीय गतिविधियां कम थी, फिशिंग एक्टिविटीज़ भी कम हो गई थी, तो ऐसे में पक्षी और डॉल्फिन के लिए वो एक वरदान साबित हुआ लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद पुनः वैसी परिस्थितियाँ वापस बन गई। डॉल्फिन को स्वस्थ नदी का सूचक माना जाता है। जानकार मानते हैं कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए मछलियों, पक्षियों का संरक्षण और नदी को साफ करने की कोशिशें होनी चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ पे डॉल्फिन है मतलब वहाँ पे फ्रेश वाटर है, और वो इकोलॉजी का और एक जो मानक होता है पानी का वो वहाँ पे मिला जाता है, मिलता है,
तो इसको लेकर के हमको लगता है कि बिहार में तो कहलगांव में बर्ड इसका डॉल्फिन सेंचुरी के लिए वो बिहार के लिए कर दिया गया है, लेकिन झारखंड के साहेबगंज में एक वो यहाँ पे एक डॉल्फिन सेंचुरी बनना चाहिए।